आज हम ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसकी मैंने तैयारी कर ली है। देखिए, मैंने एक बड़ा टमाटर काट लिया है, एक कैप्सिकम महीन काट ली है, एक मीडियम साइज की प्याज ले ली है और दो हरी मिर्च ले ली है, और ये फ्रोजन मटर ले ली है एक बाउल। 50 ग्राम मैंने ले लिया है सेवैयां, वर्मिशली सेवैयां, और थोड़ी सी मैंने मैगी ले ली है। ये फ्रेंड्स, ये मसाला और ये एक पाउच मैगी मसाला। ये हमारी गरम हो गई है, इसमें मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं। अब ये ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च साथ में डाल देंगे और ये शिमला मिर्च जो हमने काट ली थी वो डाल देंगे। सारी सब्जियों को जो हमने काटी थी वो डाल देंगे। हमारी प्याज अच्छे से भून जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो फ्लेवर थी अच्छे से भून गई है, जहाँ कलर भी दिखने लगी है। इस सिचुएशन में हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये मैगी के हैं, फ्रोजन मटर है, इसलिए हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसको। थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें जो मैगी का मसाला अंदर मिलता है पैकेट के अंदर, वो डालेंगे। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए पास्ता मसाला आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो भी एक पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसको एकदम मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर 5 मिनट हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैगी प्लस सेवैयां तैयार हो गई हैं खाने के लिए। यम्मी एंड डिलीशियस। आप भी जरूर ट्राई करिएगा।